દાદરાનગર હવેલીના આરઆરબી માં ફરજ બજાવતા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી મહાવીરસિંહ રાઠોડ વયમર્યાદાને કારણે સેવા નિવૃત્ત થતા વિદાય તથા સન્માન સમારોહ યોજાયો હતો. મહાવીરસિંહ રાઠોડ આઈઆરબીમાં કોન્સ્ટેબલ તરીકે પોલીસ વિભાગમાં જોડાયા બાદ તેમનું પ્રમોશન થતા પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર તરીકે ફરજ બજાવી હતી. ત્યારબાદ ફરજ દરમિયાન ઉત્કૃષ્ટ સેવા બદલ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર તરીકે ફરી પ્રમોશન પામ્યા હતા અને પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર તરીકે સેવાનિવૃત્ત થયા હતા. આ સેવા દરમિયાન પોલીસ વિભાગ આઈઆરબીના સહકર્મી સાથે અને જનતા સાથે સરળ સ્વભાવે રહીને લોકોનો પ્રેમ જીત્યો હતો. ફરજ દરમિયાનની કામગીરીને કારણે તેમને રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડ પણ મળ્યો હતો. પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી મહાવીરસિંહ રાઠોડનું નિવૃત્તિના દિવસે સ્મૃતિ ચિહ્ન અને શાલ ઉઠાડી સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ તેમની આઈઆરબીના કાર્યાલયથી નિવાસ સ્થાન સુધી વિભાગ દ્વારા શોભાયાત્રા કાઢી ભવ્ય વિદાય આપવામાં આવી હતી. जो है सुपर एन्यूएशन फर्स्ट है, फर्स्ट रिटायरमेंट है. जो 60 साल पूरे होके इस बटालियन को छोड़ के जा रहा है वो फर्स्ट है हमारी इंस्पेक्टर श्री महावीर सिंह राठौर. वो पुलिस में पहले काम करते थे तो अभी बटालियन में सब इंस्पेक्टर होके ज्वाइन हुआ था, मेरे साथ ही ज्वाइन हुआ था. तो लक्षद्वीप, दमन दीव, दादरा नगर हवेली सभी इलाके हम साथ में काम किए हुए और 23 साल कम्प्लीट इस बटालियन में निकले. और बटालियन के मतलब हर हल हर चीज़ जो है राठौर साहब समझते हैं और हर बटालियन के हर बच्चे राठौर साहब को याद करते हैं और मालूम है, क्योंकि कोई भी इवन देर रात को भी फ़ोन करे तो उनकी काम जो है साफ कर लेते हैं. जैसे बहुत लाइसेंस रखा हुआ है, इवन सिलवासा में भी नहीं है, लक्षद्वीप में भी साहब ने जो है लाइसेंस बहुत बढ़िया तरह से रखा हुआ था और उसके फ़ायदे पूरे बटालियन को मिला हुआ है अब तक. और हमारी इस बटालियन की मैं मेरे स्पीच में जैसे बोला था, एक जो है विंग कट हो रहा है तो उसकी ज़रूर हम वो गैप को मतलब इतना जल्दी फिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि आगे वाले दिन में हम कुछ ऐसे ओपिनियन लेना पड़े तो साहब यहाँ अवेलेबल होंगे और फोन पे अवेलेबल होंगे तो हम उनसे लेते रहेंगे. जय हिंद, जय शुभकामना. मैं अक्टूबर 1987 में पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती हुआ. 12 साल मैं असिस्टेंट IGP ऑफिस सिलवासा, पहले दमन में था 2 साल, उसके बाद सिलवासा आया. अक्टूबर 99 तक मैंने पुलिस में काम किया था. उसके बाद 99 में मैं सब इंस्पेक्टर में IRG में भर्ती हुआ. 16 अक्टूबर 99 में मैंने IRG ज्वाइन किया. 12 साल मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में काम किया है और 23 साल हजार बटालियन में काम किया. तो मेरा 35 साल सर्विस हो गया है. आज मेरा 60 साल पूरा हो रहा है. ऐसे खुशी भी है कि सेकंड रेडिंग अभी कल से दूसरा पारी खेलता चालू कर रहा है. ये पारी मेरा बहुत ही अच्छा रहा, जिसके अंदर भी मेरे को बहुत सपोर्ट मिला मेरे सभी स्टाफ से. यहाँ भी मेरे जितने भी ऑफिसर्स हैं, मेरे स्टाफ है, बड़ा से मेरे 25 आदमी है, 22 ऑफिसर सब इंस्पेक्टर साथ में बढ़ती है. सबसे सीनियर में था, सबसे एज मेरा ज़्यादा था, लेकिन सभी ने मेरे को आई जब बड़े भाई की तरह रिस्पेक्ट किया और जॉन ने भी मेरे को बहुत रिस्पेक्ट किया. बहुत ही अच्छा टाइम गया मैंने सिलवासा, दमन, लक्षद्वीप सभी जगह अटेंडिंग करता है. सभी जगह इन्जॉय किया है, सर्विस को एज ए लाइफ की तरह हमने इन्जॉय किया. जो भी सीनियर ऑफिसर ने हमको टास्क दिया है हमने पूरा किया. और उसमें होता है कि भाई अच्छा काम करिए चलो तो अच्छा आपको रिवार्ड मिलेगा. और तो भी जाते जाते हमारे कमांड साहब, DIG साहब, अफसर साहब की मेहरबानी से उन्होंने रिकमेंडेशन किया राष्ट्रपति पदक मिल गया. लास्ट मेरा ये एक होता है कि भाई चलो राष्ट्रपति पदक मिल जाता है तो पूरी सर्विस का निचोड़ का फल मिल जाता है. बहुत अच्छा टेन्योर गया. मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि पूरी बटालियन के जितने ऑफिसर्स हैं, जितने जवान से हैं, 60 साल पूरा करें. 60 साल से ही रिटायर, जैसे वॉलेंटरी रिटायर तो बहुत होते हैं, लेकिन 60 साल रिटायर होना एक अचीवमेंट है कि आप अच्छी, आपकी हेल्थ अच्छी है और आप अच्छी पूरी सर्विस करके. बहुत अच्छा गया. मैं फिर से मेरे ऑफिसर्स, मेरे जवानों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे को बहुत ही अच्छा कोऑपरेट किया.